हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज मैं मॉर्निंग टाइम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं टेरेस पे आई हूँ अपने। आप व्यू देखिए, और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं आपको मिलाऊंगी एक ऐसे शख्स से जो हमारे हरिद्वार के पतंजलि योगा ग्रुप से जुड़े हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं आंटी से जो हमारी बिल्डिंग में रहती हैं और 58 ईयर की हैं। और आप देख सकते हैं कि आप आंटी को देख के लग ही रहा होगा कि वो कितनी फिट एंड फाइन है, हेल्थी हैं, और वो योगा ग्रुप से जुड़ी हैं पतंजलि, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि वो हेल्थी हैं, फिट हैं। और अब मैं आपको उनसे मिलाती हूँ और वो बताएंगी कि कैसे फिट रहा जाता है और वो कौन कौन सा योगा करती हैं। तो बने रहें मेरे साथ। तो लीजिए, आप आंटी से बात कीजिए और पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देंगी। हेलो, मैं पतंजलि से जुड़ी हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी तिवारी है। मैं पतंजलि से 2017 से जुड़ी हुई हूँ और सुबह नित्य प्रति योगा मेरा क्लास चलती है, योगा करते हैं। और सुबह नियम से योगा करने का ये नतीजा है कि हम फिट एंड फाइन हैं। और आप लोग भी, सब लोग योगा करिए और स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे ड्रेस अप हुए हैं। कॉम्बिनेशन किया हुआ है, जिसको जो मिला उन्होंने कॉम्बिनेशन किया है। आंटी ने तो एकदम लुक अपना वैसे ही किया हुआ है। ऊपर शेफ्रॉन है और बीच में वाइट एंड नीचे ग्रीन है। और आंटी अभी लगा रही हैं पतंजलि का कैप, तो ये आंटी लेके आई हैं पतंजलि का कैप, उन्होंने दिया है जहाँ ये योगा करती हैं। और आंटी का लुक बेहतरीन लग रहा है। तो अभी आंटी से पूछेंगे कि जो युवा लोग हैं वो जब वृद्धावस्था में आते हैं तभी वो योगा करें या पहले से ही योगा करना स्टार्ट कर दें। तो आइए मिलते हैं आंटी से। और हेलो, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। मैं अभी पतंजलि, जब से शुरू करो पतंजलि योगा क्लास, तभी से मतलब सवेरा हो समझ लो, जो भी देर से जागे, जब भी जागे, लेकिन अच्छे से नियम से पालन करो तो उसका फल अच्छा मिलता है। तो आंटी, आप डाइट में क्या क्या खाती हैं, आप थोड़ा बताएंगी? डाइट में हम लोग सिंपल खाना खाते हैं, विदाउट मसाले का, और ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप लोग, और जो अगर कोई प्रॉब्लम है, जो जैसे शरीर के प्रति जहाँ जो तकलीफ है उसके अनुसार योगा किया जाता है। ज़्यादा जिसको कमर में दर्द है तो कुछ ऐसे आसन हैं जो करके ऐसे बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो करने से आराम मिलता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम कपाल भाती करो और भस्त्रिका करो, इससे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। बॉडी में कहीं गांठे हैं तो वो गांठे वो ओपन खुल जाती हैं। और कभी डायबिटीज होती है या फिर मतलब बीपी होता है तो उसी हिसाब से मतलब बताना पड़ता है कि कैसे तुम करो, वो तो सामने करने पे ही पता चलेगा। ऐसे तो करके बताएंगे तभी पता चलेगा, बाकी तो। तो आंटी, आप सूर्य नमस्कार भी करती हैं? हाँ, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। तो कितने टाइम आप सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, या स्पीड में करती हैं आप, या नॉर्मल तरीके से आप करती हैं? अभी तो नॉर्मल ही करते हैं, स्पीड मतलब डेली सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं। कभी कभी घर के कामों में व्यस्त होते हैं तो नहीं कर पाते। सूर्य नमस्कार करने से पूरी बॉडी फिट रहती है, मतलब जितना हो सके, कम से कम न ज़्यादा कर सको तो 10 से 12-15 ये ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं भी सूर्य नमस्कार करती हूँ, लेकिन मैं 4 या 5 से ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। और आंटी कह रही हैं 10 या 12, तो आप सोच सकते हैं कि 60 ईयर की हैं आंटी और बता रही हैं कि मैं 10 और 12 कर सकती हूँ। तो आप, तो आंटी 10 से 12 आसन बता रही हैं, तो मैं तो 4 या 5 ही कर पाती हूँ स्पीड में। तो आप सोच सकते हैं कि आंटी कितनी एनर्जेटिक हैं और कितनी स्वस्थ हैं इस एज में भी।
तो हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी या हम लोग भी हमेशा स्वस्थ रहें। हार्ट के पेशेंट को और जो और अदर पेशेंट होते हैं तो उनका उनको कौन कौन से योग करने चाहिए, कौन कौन से आसन करने चाहिए? जी आंटी, हाँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको बहुत स्लोली धीरे धीरे करना है। 2 से 3 सेकंड में हल्के से एक बार स्ट्रोक लेना है, पेट को झटका देना है धीरे धीरे, और सांस को लेना नहीं होता है इसमें, सांस अपने आप हल्के से अपने आप चली जाती है नेचुरल, लेकिन वो पेट को धीरे से झटका देना होता है 2 से 3 सेकंड में, और आराम आराम से करना है। जितना टाइम दे सकते हो सुबह खाली पेट, वो उसका ज़्यादा फायदा होता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1-1 घंटा करना है, और अगर मतलब उसके साथ में अनुलोम विलोम करना है, 1-1 घंटा करने से ये हार्ट की ब्लॉकेज ओपन हो जाती है। वो उसके साथ में ये हृदय अमृत आती है, हृदय अमृत लेना है, और जिनको बीपी है उनको मुक्तावटी लेना होता है। ये थोड़ी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पतंजलि की हैं, बहुत पावरफुल हैं, वो आप ले सकते हो। और जिसको डायबिटीज है वो भी ले, ये करेंगे ना अनुलोम विलोम, उससे आहिस्ता आहिस्ता करना है, पूरा क्लियर हो जाता है। डायबिटीज, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम सब क्लियर हो जाता है। तो ये सब करिए और इससे आराम पाइए। तो थैंक यू सो मच आंटी, आज की जानकारी आपने इतनी बेहतरीन दी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ आके यहाँ पे इतनी बेहतरीन जानकारी हम लोगों को दी, और कैसे फिट एंड फाइन रहना है ये सभी को आपने बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर, बाय। और आप सभी को अगेन 75वें स्वतंत्रता संग्राम की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद।